नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके उसका जो इंटरनेट डाटा है वो आप किसी दूसरे मोबाइल या फिर कंप्यूटर में आप इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार आप देखते होंगे जब आप उस मोबाइल से बात करते हैं, चाहे आप कहीं पे कॉल कर रहे हैं या फिर कहीं से उस मोबाइल पे कॉल आया हुआ है, अगर आप उस मोबाइल से कहीं पे बात कर रहे हैं तो बात करने के क्रम में जिस डिवाइस को जो है इंटरनेट से आप कनेक्ट किए हुए हैं उसका इंटरनेट डाटा जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। आखिर ये समस्या क्यों होता है? एक मोबाइल मेरे पास भी है और उसी मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके उसका जो इंटरनेट डाटा है वो हम अपने लैपटॉप में इस्तेमाल करते हैं। पहले यह समस्या नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह समस्या होना शुरू हो गया, जहां पे जब भी उस मोबाइल पे कहीं पे कॉलिंग आता था या फिर कॉल कहीं किया जाता था तो जब तक बात होती थी तब तक जो है उसका नेट डाटा जो है हम अपने लैपटॉप में नहीं इस्तेमाल कर पा रहे थे, इंटरनेट जो है सीधे डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। तो ये समस्या आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए हम आपको बता दें ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। इस समस्या को सिर्फ और सिर्फ आधा मिनट के अंदर जो है वो आप सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आपको अपने मोबाइल के सेटिंग बॉक्स में जाना होगा। जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं आपको सिस्टम अपडेट का एक ऑप्शन मिल जाता है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो सेटिंग वाले फाइल को आप क्लिक कीजिए और वहां पे सर्च कर दीजिए सिस्टम अपडेट, ये फोल्डर जो है आपको मिल जाएगा। जैसे ही सिस्टम अपडेट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे उससे होता क्या है कि आपके मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, पिछले काफी महीनों से आप छोड़ दिए हुए हैं, और अगर उसका नया वर्जन कोई अपडेट किया गया है तो उस फीचर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके फीचर में जो भी टेम्पररी एरर होता है वो ऑटोमेटिक वहां पे सॉल्व हो जाता है। तो आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और साथ ही साथ न तो आपके इंटरनेट डाटा में कोई प्रॉब्लम है और न ही आप जिस डिवाइस में कनेक्ट किए हुए उसमें कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अगर कहीं पे है तो जिस मोबाइल का आप हॉटस्पॉट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो सिस्टम अपडेट है वो पिछले कुछ महीना से आप अपडेट नहीं करते हैं, तो टेम्पररी जिस फीचर में कुछ वहां पे जो है एरर हो जाता है, इसी को लेकर वो कॉलिंग के दौरान जो है इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर पाता है और आप तब तक वेट करते हैं जब तक बात करना बंद नहीं करते हैं। जैसे ही उस मोबाइल से बात करना बंद कर देते हैं ऑटोमेटिक फिर से जो समस्या है आपका सोल्व हो जाता है, यानी कि बात करने के दौरान जो है उस मोबाइल का हॉटस्पॉट आप किसी दूसरे डिवाइस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसके पीछे अगर कोई रीजन है तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम अपडेट का रीजन है। आपको करना कुछ नहीं है, आप सिस्टम अपडेट वाले फीचर पे जाके आप क्लिक कीजिए, हो सकता है वो एक से दो मिनट में ऑटोमेटिक जो है सारे फीचर को अपडेट कर देगा। अगर वहां पे टाइम ज्यादा आपसे डिमांड किया जाता है, टाइम अगर वहां पे ज्यादा लेता है तभी उस फीचर को आपको डिस्कनेक्ट कर देना है, यानी कि काट देना है उस फिल्टर को, या फिर अगर आपको मेमोरी स्पेस के लिए जो है खाली करने के लिए डिमांड कर रहा है तब भी आपको किसी फोल्डर को डिलीट मारने की जरूरत नहीं है। आप आधा घंटा मिनट जो है सिर्फ और सिर्फ सिस्टम अपडेट वाले फीचर पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं जो टेम्पररी एरर होता है वो आधा मिनट के अंदर जो है अपडेट करके रख देता है। तो आपको करना क्या है, सिस्टम अपडेट पे क्लिक कीजिए, आधा मिनट के बाद तक उसको छोड़ दीजिए। अगर वो डन का ऑप्शन आ रहा है तो डन पे आप क्लिक कीजिए। अगर ज्यादा समय वो आपसे डिमांड कर रहा है तभी उस फीचर को आप बीच में ही काट दीजिए, या फिर अगर मेमोरी स्पेस का डिमांड आपसे मांग रहा है तब भी आपको किसी फोल्डर को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप उस ऑप्शन को ही डिस्कनेक्ट कर दीजिए, कट कर दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, मोबाइल को ऑफ करके फिर से ऑन कर दीजिए और जैसे ही आप ऑन करेंगे ये जो एरर था आपका हॉटस्पॉट का वो सॉल्व हो चुका होगा। और उसके बाद आप देखेंगे जब उस मोबाइल का हॉटस्पॉट आप अपने लैपटॉप या फिर किसी दूसरे मोबाइल में आप कनेक्ट करेंगे और उसके बाद आप उस मोबाइल से बात करेंगे तो बात करने के क्रम में भी आपके अदर वाले डिवाइस में बिल्कुल स्मूथली तरीके से इंटरनेट जो है आपका काम करेगा। यानी कि जो समस्या पहले आपके साथ हो रहा था कि बात करने के दौरान उस मोबाइल का आप इंटरनेट डाटा किसी दूसरे डिवाइस में आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ आप सिस्टम अपडेट वाले फीचर को आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं ये जो समस्या है ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है।